तो मैं आप लोगों के समक्ष ईवीएस के महा मैराथन को अपने रख रखने जा रहा हूँ। यह ईवीएस का बहुत ही बेहतरीन मैराथन है, इसको हम मिनी मैराथन भी कह सकते हैं या महा मैराथन कह सकते हैं। इस मैराथन को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज या महा मैराथन है, यह आपको पार्ट पार्ट 13 के अंतर्गत मैं इसको रख रहा हूँ। ईवीएस के महा मैराथन ईवीएस पार्ट 13 के अंतर्गत मैं इसको रख रहा हूँ, काफी ध्यान से आप लोग देखिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि गीर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गीर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी गीर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में गुजरात में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में। तो गीर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, गीर गुजरात। हम लोग यह पढ़े हुए थे कि गीर राष्ट्रीय पार्क मतलब गीर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गुजरात इसका राइट आंसर है। कि गीर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा गुजरात। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी क्या है, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज क्या है, स्पैरो, पिकॉक, क्रेन, पैरोट। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी क्या है, बहुत ही सुंदर आंसर है इसका कि सारस क्रेन। अभी यूट्यूब पर एक वीडियो चला है सारस के बारे में, जो उत्तर प्रदेश राज्य का ही निवासी है, जो सारस और मैन और क्रेन में किस तरह से रिलेशन बताया गया है, तो उसके बारे में यह दर्शाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी का नाम क्या है, तो सारस क्रेन इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी का नाम है सारस क्रेन, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज सारस क्रेन। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत के सबसे अधिक मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे अधिक लार्जेस्ट एरिया पर उस मिट्टी का सबसे अधिक कवर है, यानी सबसे अधिक व सर्वाधिक क्षेत्र तक फैला हुआ। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। यानी बाढ़ जो है अपने साथ एक प्रकार की मिट्टी को बहा करके लाती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एलुवियल सॉइल। यानी निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग काफी गौर से देखते हैं, यानी निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन, यानी महोगनी, कैक्टस, फर यानी सैंडलवुड। तो हमको लगता है कि सबसे इसका राइट आंसर क्या होगा, कैक्टस होना चाहिए। यानी निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में, यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर होगा कैक्टस, CACTUS कैक्टस, राइट आंसर होगा कैक्टस। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रास लैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाउंस, कंपास, पंपास, प्रेयरी। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान, शीत जो उष्ण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपास इसका राइट आंसर होगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपास। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों के व्यवहार का, यानी जीव जो है उसके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा इथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, यानी जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इथोलॉजी, यानी जीवों के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है किस लॉजी के अंतर्गत, इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इथोलॉजी। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
सत्यार्थ प्रकाश का लेखा हम लोग खूब याद करते थे इसको, कि सत्यार्थ प्रकाश का लेखक का नाम क्या था। राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेम ऑफ द अथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी नेम ऑफ द अथर, राइट इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। सिल्वी कल्चर, यानी सिल्वी कल्चर इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सिल्क, फ्लावर्स, फर्टिलाइजर। यानी सिल्वी कल्चर संबंधित है किनसे, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। सिल्वी कल्चर संबंधित किसे है, तो वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। प्याज, आलू, अदरक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओनियन, पोटैटो, जिंजर और क्या है, एक प्रकार के स्टेम, यानी प्याज, आलू, अदरक। प्याज, आलू, अदरक क्या है, तना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तना। यानी प्याज, आलू, अदरक है क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार की तना है, यानी प्याज, आलू, अदरक हम लोग तना खाते हैं। भिलाई संयंत्र अस्पताल, भिलाई जो है, भिलाई यानी भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड कहाँ है, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड एट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। झूम खेती कहाँ होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झूम फार्मिंग इज केरला, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। झूम फार्मिंग कहाँ होता है, मेघालय में होता है। यानी झूम की खेती कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेघालय। यानी झूम फार्मिंग मेघालय में होती है, झूम खेती कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है, याद रखिए। भूकंप की तीव्रता नापने वाला का बहुत ही यंत्र है भूकंप, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। यानी भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र का नाम क्या है, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है। यानी सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टैगा। रेनडियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मानसून, हॉट डेजर्ट, टुंड्रा रीजन, टैगा। तो इसका रेनडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, राइट इसका आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन इज इक्वल टू रेनडियर, तो इसमें रेनडियर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, तो टुंड्रा प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेंड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोल इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तप्त तो भौम जल से हमको ऊर्जा पड़े भूतापीय, तप्त यानी जियो थर्मल एनर्जी इसका पाया जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा। यानी तप्त तो भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, विच इज द फर्स्ट लिटरेसी सोर्स, विच इज द फर्स्ट लिटरेसी सोर्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन हो गया, ऋग्वेद। तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। कोई भी पूछेगा विच इज द फर्स्ट लिटरेसी सोर्स, तो ऋग्वेद। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, यानी आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग, त्रिपिटक, राइट आंसर क्या होगा, त्रिपिटक। यानी निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो त्रिपिटक इसका राइट आंसर होगा। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, भारत में जैन धर्म का संस्थापक है महावीर।
हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, महावीर, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है भाई, तो महावीर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोक टक लेक, वन विच द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी लोक टक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। लोक टक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना गया है, यानी निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, यानी प्याज, ओनियन। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना गया है, मक्का, चना, गेहूं, प्याज। तो प्याज इसका राइट आंसर होगा, कि प्याज को जो है नकदी फसल माना गया है। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इंद्रधनुष की रचना, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो राइट आंसर है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। व्हाट इज रेनबो मेड ऑफ, रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट वर्ड वाटर ड्रॉप। तो कहने का सीधा आंसर है कि इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है, यानी जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष रेनबो का निर्माण होता है, रेनबो मेडअप होता है। टेड, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, लुइस ब्रेल, लॉरेंस आर ए मिल्कलन, जेएल बियर्ड, यानी जेएल बियर्ड इसका राइट आंसर होगा, यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा जेएल बियर्ड। जल का सर्वाधिक घनत्व तो क्या होता है, इसको देखिए, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री टेम्परेचर। वेयर डज वाटर हैव द हाइएस्ट डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जल का सर्वाधिक घनत्व तो किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, पैंथरा टाइग्रिस, बाघ। भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ को कहते हैं, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय प्राणी वैज्ञानिक का नाम है टाइगर और इसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम के पकाने में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। भाई कार्बाइड लाइए, कार्बाइड लाए हुए हैं आम पकाने के लिए, लोग कहते हैं कि कार्बाइड लाइए, आम पकाइए, केला पकाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन कुकिंग मैंगो, यानी कैल्शियम कार्बाइड। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु एमोंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इसका आंसर होगा क्या, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, यह राइट आंसर है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, गुरु नानक देव, राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ वर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड इज इक्वल टू अर्थ वर्म। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा केंचुआ, केंचुआ। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, इसका वनस्पति यानी साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है, जिसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तुलसी, इसको नाम से कभी कभी तुलसी भी लिखते हैं, तुलसी, और इसको बोलते हैं बासिल। द क्वीन ऑफ हर्ब्स इज द मोस्ट स्कॉर्ड हर्ब ऑफ इंडिया, दिस मेडिकिनल प्लांट हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदूज्म एंड इज द बोटानिकल नेम इज द ओकोम, ओसिमम, ओसिमम सेक्टम, बट
वायु, व्हाट नेम इज द कॉमनली नोन, यानी जड़ी बूटियों की रानी, तुलसी खाओ खांसी मिटाओ, तुलसी खाओ गला साफ करो, तुलसी खाओ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। तो तुलसी के बहुत सारे मायने हैं, इसलिए इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम उसिमम सेक्टम है, उसिमम सेक्टम। इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो बासिल यानी तुलसी। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, कोकाड़े बेलूर, नीलापट, कुंथन कुल्लम, ये सभी। वेयर डज पेलिकन पक्षी बर्ड इन इंडिया, यानी भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, तो कोकाड़े बेलूर में भी करते हैं, नीलापट में भी करते हैं, कुंथन कुल्लम में करते हैं, ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, राइट आंसर है रीठा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीठा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ सोप, यानी रीठा। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज द नॉर्मली फाउंड इन द सेल, बी डीएनए पाया जाता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एग मार्क, एग मार्क किससे रिलेटेड है, एग मार्क का संबंध किससे है, एग मार्क है गुणवत्ता से, बाई क्वालिटी, क्वालिटी इज इक्वल टू एग मार्क। एग मार्क किससे रिलेटेड है, तो एग मार्क क्वालिटी से रिलेटेड है। एग मार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, प्रथम भारतीय उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट, आर्यभट्ट, आरंभिक से आर्यभट्ट, यानी प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट। संकट ग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, पांडा चीन में। चीन के साथ अभी संकट चल रहा है भारत का, तो कुल मिलाकर के जो है ना चाइना के साथ जो है यह चाइना में पाया जाता है, मतलब यानी थ्रेटेंड एनिमल गेंट पांडा इज फाउंड इन चाइना, यानी संकट ग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ, चाइना में, चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान बिसाल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो बिसाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आग्नियस रॉक, बिसाल्ट। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कौन हुआ भाई, बिसाल्ट, राइट आंसर। चिपको आंदोलन बहुत फेमस नाम है, चिपको आंदोलन जो है इसके प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, राइट आंसर। सोला घास स्थल कहाँ पाया जाता है, सोला घास स्थल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोला घास स्थल कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है पश्चिमी घाट में। वेयर आर सोला ग्रास लैंड फाउंड, वेस्टर्न घाट्स, यानी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। व्हिच सिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, भोपाल, डायरेक्ट भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, तो भोपाल, भोपाल इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइकॉट प्लांट, यानी मस्टर्ड, यानी सरसों का जो पौधा है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, तो इसका राइट आंसर होगा सरसों, मस्टर्ड। भारतीय गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा भाई, वेयर इज द इंडियन राइनोसेरस इज प्रोटेक्टेड, वेयर इज द इंडियन राइनोसेरस प्रोटेक्टेड, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, फेमस है। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। दूध से दही बनना, यह होता है फर्मेंटेशन, दूध से दही बनना।
दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। केमिस्ट्री पढ़िए, जानिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड कर्ड दही फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन, यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड किण्वन। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो राइट आंसर इसका आप लोग जाइएगा, समय बर्बाद नहीं कीजिए, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसको सही मार्गदर्शन देना। राकेश क्लास 5 डज नॉट सबमिट द वर्क गिवन बाई इन्वायरमेंटल साइंस टीचर इन टाइम, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट द करेक्टिव मेजर कैन बी। तो राइट आंसर होगा टू गिव प्रॉपर गाइडेंस, यानी उसको प्रॉपर गाइडेंस दीजिए और उसका सही से गाइडलाइंस कीजिए। तो राइट आंसर होगा सी, यानी राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सोचता है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। बीटी कपास क्या है? कपास एक प्रकार के ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कॉटन ए ट्रांसजेनिक प्लांट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी हम लोग फंस भी जा सकते हैं कि बीटी कॉटन क्या होता है। भाई बीटी कॉटन एक प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट है, यानी ट्रांसजेनिक पौधा है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला ए फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरियम डेट हैज टू एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन, यानी स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वही राइजोबियम जो मटर में पाया जाता है। भाई इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रीडियम, यानी स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन इनटू स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है कोलोस्ट्रीडियम। राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, मतलब इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक भारत के किस राज्यों में होता है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में। वाटर पोल्यूशन हाईएस्ट बाई आर्सेनिक पश्चिम बंगाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आर्सेनिक की मात्रा जिसमें लोहा के एक प्रकार का प्रकार है जो पीने के पानी में पाया जाता है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन आर्सेनिक द्वारा जो वाटर पोल्यूशन जो होता है वह सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक आपको कहाँ है, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह क्या है, एक प्रकार के सिद्धांत है। परिकल्पना को परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है, सिद्धांत है। इफ द हाइपोथेसिस इज नॉट फाउंड टू बी फॉल्स बाई रिपीटेड टेस्टिंग देन इट इज ए थ्योरी, थ्योरी इज इक्वल टू सिद्धांत। तो कहने का सीधा अंतर है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह क्या है, एक प्रकार के सिद्धांत है। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है, गैसियस वेस्ट एक प्रकार के लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है, सब्जी एवं फलों के छिलके गलत, घरों की नालियों का गंदा पानी गलत, खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरा गलत। लेकिन गैस, गैस जैसे ही आता है तो वायु से संबंधित है, तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, इसको बोलते स्मोक। तो कहने का अंतर है
कि गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, इसका राइट आंसर है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जीए बंगाल का आतंक कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक समस्याकार जलीय खरपतवार जीए बंगाल का आतंक या आतंक कहा जाता है एरकोनिया कासीपस, यानी अटैक ऑफ बंगाल, खतरा बंगाल का आतंक, आतंक। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जीए बंगाल का आतंक भी कहते हैं एखोरनिया कासीपस, एखोरनिया कासीपस राइट आंसर है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण, रूरल। पूर्वा इज इंक्लूडेड इन विच डोमी साइल, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो रूरल ग्रामीण में शामिल है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताजा जल, आसुत ताजा जल, आसुत जल या पीने योग्य जल। पीने के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं पीने योग्य जल, ताजा जल भी नहीं कहते। व्हाट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर कोल्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विद्यार्थी इसमें फंस सकता है कि अरे भाई फ्रेश वाटर होगा, लेकिन नहीं, डिस्टिल्ड वाटर होगा, नहीं टैप वाटर होगा, नहीं क्या होगा, पोटेबल वाटर, POTABLE, पोटेबल यानी पीने योग्य जल, पोटेबल वाटर। व्हाट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड, पोटेबल वाटर। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने योग्य जल कहते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, उत्तराखंड हो और खूबसूरती न हो ऐसा ही हो नहीं सकता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, लोकेटेड इन क्या होगा? उत्तराखंड, UTTARAKHND उत्तराखंड, यानी फूलों की घाटी अवस्थित किसमें है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, हाइड्रोजन कोयला। यानी निम्नलिखित ईंधनों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो सबसे कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है, तो सबसे कम करता है इसमें हाइड्रोजन, अधिक करता है डीजल, पेट्रोल करता है, कोयला तो बहुत अधिक करता है, सबसे कम कौन करता है? तो हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हाइड्रोजन। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता, इसको कैसे पहचानेंगे? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होता है। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता, इसको कैसे पहचानेंगे? तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगा। पर्यावरण जागरूकता, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता का द्वारा का सृजन किसके द्वारा किया गया? क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप, ट्रिप मतलब भ्रमण, TRIP, ट्रिप। पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी कहाँ लोकेटेड है? तो चंदौली। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यानी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी लोकेटेड चंदौली, चंदौली से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है, भाई याद रखिएगा। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लावा, लावा के मोबाइल। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी। 58 का सी, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
इन विच कंट्री इज द क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर, यानी किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता। तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। वी वाई कंटिन्यूअस एंड द नेसेसरी, वाई कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव, वाई इज कंटिन्यूअस एंड द कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन नेसेसरी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, बहुत ही राइट आंसर दिए हुआ है कि ड्यू टू कंटिन्यूअस इवेल्युएशन स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द अननेसेसरी फियर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि निरंतर मूल्यांकन होने से परीक्षार्थियों में किसी भी तरह का अनावश्यक भय नहीं होता, फियर नहीं होता, टेंशन नहीं होता, दबाव नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कयांत्रित शैल का उदाहरण है, चूना पत्थर, ये बार बार पूछता है। संगमरमर क्या है भाई, संगमरमर। निम्न में से कौन सा कयांत्रित शैल का उदाहरण है, तो संगमरमर इसका राइट आंसर होगा, चूना पत्थर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, संगमरमर और ताजमहल। निम्न में से या निम्न में से कौन सा कयांत्रित शैल का उदाहरण है, तो संगमरमर इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट डिस्कोर्स, सारनाथ। सारनाथ में इनको सार की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ ने दिया था। झीले के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड द लिम्नोलॉजी, लेमंटी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। झील को अंग्रेजी में कहते हैं लेक, एल ए के ई लेक, एल ल से होता है लिम्नोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, एल आई एम एन ओ एल ओ जी वाई, लिम्नोलॉजी। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन है, नंगा पर्वत। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन है, नंगा पर्वत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक, नंगा पर्वत सबसे अधिक ऊंचा शिखर है। लोनार झील कहाँ स्थित है, लोनार झील, लोनार वाला महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र। वेयर इज लोनार लेक लोकेटेड, रॉयल महाराष्ट्र। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, सी अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय। लेटराइट सॉइल इन द हाई एल्टीट्यूड आर द कंपोज्ड ऑफ द एसिडिक, यानी अम्लीय होता है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, धान, गेहूं। गेहूं तो नहीं होगा, चावल होगा, राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप ऑफ ग्रोज इन द एलुवियल सॉइल एंड द रिक्वायर द एबडेंट वाटर, यानी प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, धान को पानी चाहिए, यानी चावल इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हुआ फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिनके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, राइट आंसर चावल। पेट्रोलॉजी किसका उदाहरण है, चट्टान का, ध्यान में रखिए। पेट्रोलॉजी किसका उदाहरण है, चट्टान का, रॉक। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज इक्वल टू रॉक, रॉक इज इक्वल टू चट्टान, चट्टान को रॉक से मिलाओ। मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा की लवणता मापी जाती है चलकता मापी से, कंडक्टिविटी मीटर से, कौन मीटर है, थर्मामीटर, नहीं भाई। सॉइल सालिनिटी इज द मेजर्ड बाई कंडक्टिविटी मीटर, यानी मृदा की लवणता मापी जाती है चलकता मापी से। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, उत्तराखंड, फूलों की घाटी। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड है, इसको हम लोग पढ़े थे
से भी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, भरतपुर राजस्थान। वाह, यानी भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, वर्ड भरतपुर, बी फॉर भरतपुर, बी फॉर बर्ड, यह हो जाता है आपको कहाँ, राजस्थान में, यानी भरतपुर वर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है, सुल्तानपुर, विच इज द फेमस बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा, सुल्तानपुर, और राजस्थान में भरतपुर। तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है, तो सुल्तानपुर इसका राइट आंसर होगा। नामदफा नेशनल पार्क, ध्यान देखिएगा भाई, अरुणाचल में ना आता है तो नामदफा में अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, नामदफा दूर दफा, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, असम, काजीरंगा नेशनल पार्क भाई, मानस पक्षी पशु विहार है भाई, मानस पशु विहार, इन व्हिच स्टेट इज मानस पशु विहार लोकेटेड, असम, ASSAM, असम। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा कन्हैया, कान्हा नेशनल पार्क, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, राइट आंसर मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क इज इक्वल टू मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर, द वर्ल्ड इज ओनली द फ्लोटेशन नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर, पल्लवी। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क किसमें है, कर्नाटक में, नागरहोल। इन विच स्टेट इज द नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड, कर्नाटका। सोपान कृषि कहाँ स्थित है भाई, सोपान कृषि, पशुपान यानी सीढ़ीनुमा पहाड़ों के, सोपान कृषि कहाँ, वेयर इज स्टेप फार्मिंग डन, स्टेप बाई स्टेप खेती होता है पहाड़ों के ढलान पर, ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, यानी सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपस्थित है, चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपस्थित है, चावल। नेम द फूड क्रॉप विच मोस्ट ग्रोन इन इंडिया, राइस यानी चावल, RIC, राइस चावल। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, तो सबसे अधिक गेहूं कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। द लार्जेस्ट वेट प्रोड्यूसिंग द स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या, थार। एक गाड़ी आ रहा है महिंद्रा का थार, महिंद्रा का थार। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार, THAR, थार। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार। सबसे छोटा देश कौन है, बिटकन सिटी, जिक्के में हम लोग याद करते थे सबसे छोटा देश कौन है जनसंख्या में, तो बिटकन सिटी है, वेटिकन सिटी। काली मुक्ता किस फसल पर जाती है, काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी मुक्ता किस फसल के साथ संबंधित है, तो कॉटन इसका राइट आंसर होगा, जो ये कपास से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, कॉटन। काली ब्लैक सॉइल इज द मेनली एसोसिएटेड विद द विच क्रॉप, कॉटन, COWN, कॉटन। काली मिट्टी मुक्ता किस फसल के साथ संबंधित है, तो कपास के साथ यह संबंधित है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं, पेडुकल। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पेडुकल। व्हाट इज द सॉइल रिच इन द कैल्शियम कॉल्ड पेडुकल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है, लोहा, आयरन। रेड कलर इन रेड सॉइल
कम्स ड्यू टू द डिसकोलरेशन ऑफ आयरन, यानी देखिएगा लाल मिट्टी होता है उसमें लोहा की मात्रा अधिक रहती है, आयरन की मात्रा अधिक रहती है, तो लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है, लोहा यानी आयरन। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षारण की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है, तो लेटराइट कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण निक्षारण की ओर प्रवृत्त है लेटराइट कहलाता है, लेटेराइट। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो समोच्च कृषि। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो समोच्च कृषि आंसर इसका होगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, इसका आंसर होगा ग्लेशियर, यानी व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वियर, यानी मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो इसका राइट आंसर होगा ग्लेशियर। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा व्हीकल, गंगा डेल्टा यान, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा यान। चारागाह को पंपास कहा जाता है, पंपास दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका, द पोश्य इज कॉल्ड पंपास, पाश्चर, चारागाह को पंपास कहा जाता है किस, यहाँ पे अफ्रीका में तो बिल्ड कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, और दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं, तो पंपास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, सवाना, सवाना के घास मैदान, बकरिया पालिए घास खिलाइए। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड सवाना, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, पादप पल्वक पुंज, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, पादप पल्वक पुंज से। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, पृष्ठ तनाव, ड्यू टू विच द शेप ऑफ रेन ड्रॉप बिकम द स्फेरिकल, यानी सरफेस टेंशन से होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन द इलेक्ट्रिकल बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन, यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर जो महीन सी तार बनी रहती है वह टंगस्टन की बनी रहती है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है, यानी उसके फ्यूज हो जाता है तो उसकी तार आपस में से हट जाती है। प्रकाश वर्ष, व्हाट इज द लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी। समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है, आसवन, समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है, आसवन, डिस्टिलेशन। भारी पानी गुरु जल DTO, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेवी वाटर, भारी पानी, भारी पानी DTO होता है, तो कहने की भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो DTO होता है इसका राइट फॉर्मूला। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है, दूध को, द एंजाइम डेट द कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड रेनिन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था, हिरोशिमा नागासाकी, पहली बार परमाणु बम कहां, हिरोशिमा, जापान में वही अवस्थित है। जानवरों, जानवरों के गोबर का बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है मेथेन को,
जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मिथेन। बायोगैस प्लांट जो बनता है उसके लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मिथेन। पृथ्वी पर विशालतम जीवित कौन है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? ऑस्ट्रिच। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। विश्व सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। अब हमको पता चला कि हमिंग बर्ड का हिंदी होता है गुंजन पक्षी, गुंज गुंज करते रहिए। हमिंग बर्ड इज इक्वल टू गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी है या पूरे वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई? साइबेरियाई सारस, साइबेरियन स्टोर्क। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? साइबेरियाई सारस। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड, पक्षी के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? परइकोलॉजी। जीव जो होता है उनके पर्यावरण के साथ जो उनका रिलेशन होता है उसके स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम। यानी भी कोई भी प्राणी है, कोई भी पर्यावरण है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक, हु आर द डिटर्जेंट्स ऑफ सॉइल? बैक्टीरिया। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं भाई? जीवाणु होते हैं। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में नहीं होता है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो अमीबा में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक संकट्टापन जाति है? गंगा डॉल्फिन। निम्न में से कौन सा एक संकट्टापन जाति है? गंगा डॉल्फिन। इसकी कमी पाई गई है डॉल्फिन। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? आर्सेनिक। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो आर्सेनिक कम होता है, राइट आंसर है आर्सेनिक। कीट विज्ञान अध्ययन इंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? कीटों का। कीट विज्ञान अध्ययन इंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का। इंसेक्ट मतलब होता है कीट पतंग, तो इंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंग का स्टडीज में होता है। एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध वाय अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। एक्स बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध वाय अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। विश्व में सबसे बड़ा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। विच इज द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड? यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। पौधे में जल का जो परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचर भारी जल संयंत्र, हेवी वाटर प्लांट। फॉर वोम इज तालचर इम्पोर्टेंट, हेवी वाटर प्लांट। तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ इसका राइट आंसर हो गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क कानपुर। क्रिकेट मैच खेलिए, ग्रीन पार्क के बारे में जानिए। क्रिकेट स्टेडियम है भाई, ग्रीन पार्क स्टेडियम इज कानपुर, KANPUR कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। तो इतना ही कहकर जय हिंद। बिल्कुल सचिन ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।